सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्तशलके दीर्घ शिवोवाच देवितं भक्तसलभे सर्वकार्याभिधायने कलहे कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं रोहयत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेषु साधनं मया तवेव स्नेहेन प्रम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। अस्य श्रीधरका सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टभ छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामभिचेतांसि देवि भगवतिः सा बलाधाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषयन्तः स्वस्तिः स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखवैहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा कृतचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणे नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते द्वयव्यस्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमस्तुते। रोगानशेषाण्यपहासदुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान्नमिष्टा त्वामाश्रितानाम्नविपन्नहराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमणं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वयाकार्यम् अश्रुदैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्रीदुर्गा स्तोत्रे शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्वकमहारणे यस्या प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सति। ॐ सति साध्वे भव प्रीता भवानि भव मोचनि आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्राशूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भावनि भाभ्या भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सरसुन्दरी
वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा च भवाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोदकर्षणे जाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भशुम्भवाहनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्त्रे च चण्डमुण्डविनाशिने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वश्रधारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकस्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महाधरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तवस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवधूती करारी च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रभुते नित्यं दुर्गा नाम शताशिखं नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयमश्विनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्वर्या वक्त्या पठे नाम शताशिखं तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरभरेरपि राजानो दासतां जान्ति राज्य श्रियमवाप्नुयात् गौरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्षयन्त्रं विधिना विधिज्ञो बहिर्सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे षद्विषां गते विलक्ष्य प्रभटे स्तोत्रं सर्ववेत्सं कदां कदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघोर के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवध माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन
माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण राज्य का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तमातरो बीजं दिलवन्धदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशति पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्भुजं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य च साक्षातं तन्मे लोहे पितामहः ब्रह्म उवाच अस्य गुह्यतमं विप्र सर्वभूतापकारकम् एभ्यः सोकलकं पुण्यं तशृणुशमहामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महाघोरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिर्भजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे दान संशया प्रेतसंसाधु चामुण्डा वाराहि महिषासन इन्द्रिगय समारूढ वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी विषारूढ कौमारी शिखुवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपदा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वावरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलाशुतम् केटकं दोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुण्ठायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिष्टं देवानां च हिताये नमस्ते स्तोमहारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रुणाभयवर्धने प्राचं रक्षतु मामेन्द्रे अग्ने रामग्निदेवता दक्षिणेव द्वाराहि नैरुत्यं खड्गधारिणि प्रति चाम्बारुणे रक्ष वायभ्यां मृगवाहिनि उदे चां पातु कौमारी एषाणां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष ततस्ताद्वैष्णवे तथा ये भन्दस्तिशोरक्ष्य चामुण्डा शववाहन जया मे चाकृता पातु विषया पातु पृष्ठतः अभिलाभाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतने रक्ष उमामूर्ध्वे विभस्तिता नालाधरे ललाटे च भ्रमो रक्ष सुदर्शने तु नेत्रा च भ्रमोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्धारवासने
कपालकारिकारक्षकर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरस्य च नासिका अधरे च मृदुकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तानक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वहे कण्ठे नलिकां नलकोवरी स्कन्धयोः खड्गनी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोः सङ्गनी रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशुरेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी स्तनो रक्षण महादेवी मनाशोकविनाशिनि हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभोच कामिनि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतना कामि कामेडं हृदय महेश्वरवाहिनि कल्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्दवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे दुदेयसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्तवासिनि नखान्दष्टाकराणि च केशादेवर्धकेशनि रोमकोपेषु कोवेरे त्वचङ्गागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकोशे कफे चूडामणि सदा ज्वालामुखेन रज्ज्वाला भवेद्ध सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापाणौ तथा व्याणम् उदानं च समानकम् वज्रहस्तात् मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रथे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वमृदस्वस्यैव रक्षे नारायणि सदा आयु रक्षतु महारायि धर्मं रक्षतु वैष्णवि जशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रारक्षन् महालक्ष्मीर्वायं रक्षतु भैरवि पन्थानां सुरा रक्ष मार्गं क्षेमणि तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं दुःस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशिनि पदमेकं न गच्छतु यदिच्छेषु मात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकामिका जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे अमतुलं राधसे भूतले भवान् निर्भयो जायते मृत्यः सङ्ग्रामेषु पराजिता त्रैलोके सुखभेद्भुज्यः कवचेनाभिधा भवान् इदं दूतेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्धं त्रिध्यान्विता देवी कलापवेतश्च त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे संसाग्रमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः चेचराशेव जलजासोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षा च राघोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षासुन्दर्भराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डवैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संसृते मानो निर्वेदाज्ञस्तेजवृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतिं चण्डं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्त सशकामनकानन तावद्यम् सन्तते पुत्रपात्रे देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिरेण सह मोदते। ओ
अति हरगला स्तोत्र ओम अस्य श्री हरगला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकेटव विद्रावे विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजपदे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य वर्धनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि बन्दिताङ्घ्रिगृहे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुभद्वो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं जयत्वा प्रस्तयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टानाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाञ्जयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं दशरवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुते देवि शश्वरभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूज्यते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पदनी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः सा तु सप्तशती सङ्ख्या भरमापनोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुभछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे
श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्वमेधाधियानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेमम् वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुतरां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोषधम् तत्र न किञ्चिदभिविद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्का निमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायास्तु तत्र गुप्तम् चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम् च धावी नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिग्रहणादि नान्यदेशा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किलाम् विधायेनाम् नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चेवापरतस्तस्य भयम् क्वापि हजायते नापमृत्युपशम् जाति मृतो मोक्षो वा पुर्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिषत्किञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शने तु जाप्यमाणस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरम् यत्प्रसादेन सौभाग्यालोक्यसम्पदः शत्रुहाणि परमोक्ष सूयते सा न किम् जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दनस्तोत्र आयगिरिनन्दनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरादिनिवासनि विष्णुविलासनि विष्णुसुते भगवति कण्ठकुटुम्बनि भूरिकुटुम्बनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकपरदनि शैलसुते सुरवरमर्दनि दुर्दरदर्दनि दुर्मुखमर्दनि हरचरते त्रिभुवनपोषणि शङ्करतोषणि दिलविषमोषणि गोचरते जन जनिराचणि दितिसुतरोचणि आयि जगदम्बमदम्बगदम्बन प्रियवासनि आतरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गमालय शङ्कटजालय मध्यगते मधुमधुरे मधु केटव गञ्जणि केटव गञ्जणि आतरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भक परदनि चरसुते आयि चतुकण्डवि कण्डितरुण्डवि गजाधिपते त्रिभुगजगण्डविधारणचण्डपराक्रमचण्डमृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकमर्दनि शरसुते हरिहर दुर्मधुशत्रुपदोदित दुर्धर निर्धर दुरिचारुरेणमाधुमधूतमृतप्रमताधिपते दुरित दुरेह दुराजय दुर्मतिदानवधूतकृतापते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकमर्दनि शरसुते हरि शरणागतभैरि मधुपरवीरभरामय साय करे शुभवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुभि दुभितामर दुन्दु विनाश मोमुखरि कृत सिंह मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकमर्दनि शरसुते
जय जय हे भाई साधुर मर धनिरंग
जय जय हे महिषासुर मर्दन अब अंतिम स्कले लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना ही अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अर्णिशमया दासोऽयमिति मामर्त्य क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि सज्जन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वह निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति कीजिए ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
अपने बंधुओं, भक्तजन, साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जब भगवती माँ वैष्णवी जब प्रसन्न होती है तो जगत का वध होते हैं, जगत का कल्याण होते हैं, और जब जब कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाती हैं, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। इसलिए भक्तजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, माँ को मनाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि में न रखना, अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की। तो वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, जो भगवती उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से वह भक्त जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशंतो स्वस्थ ही स्मृता मतमते शुभम ददासे दारिद्र दुख विहारिणी का तदन्य सर्वोपकार करना है सधर चित्त कि माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। आपके जो भी भक्ति शरणग्ध होकर के आपका स्मरण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, माँ भगवती आपके कृपा से, माँ के आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से वह निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। स्वस्थ स्मृता मतवेश्वर दासे स्वस्थ पुरुषों द्वारा ध्यान करने पर, स्मरण करने पर आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। तो इस तरह से माँ का स्मरण करने से भगवती जो है सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, परम कल्याणमयी बुद्धि देती है। इस प्रकार से माँ जिन पर कृपा कर देती है उन भक्तों को ऐसी कल्याणमय बुद्धि देती है, उनका सर्वत्र कल्याण ही कल्याण होते है, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र जो उन भक्तों का मंगल ही मंगल होता है। दारिद्र दुख विहारिणी का तो धन्य, दारिद्र दुख भय का हरण करने वाली का तो धन्य, दारिद्र दुख भय का हरण करने वाली आपके सिवा दूसरी और कौन है। इस माँ भगवती की आराधना करने से दरिद्र दूर होता है, दुखों का नाश होता है, भय का नाश होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, जीवन सुखद हो जाता है। सर्व इस प्रकार से भगवती दरिद्र दुख विहार निका तुन्य सर्वोपकार करना सदर चित्ता, जो हर क्षण हर पल जो है सबका उपकार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, जिसका हृदय जो सदा सर्वदा ध्यादचित रहता हो, हे माँ आपके सिवा इस संसार में दूसरी और कौन हो सकती है जो सदा सर्वदा दूसरों का ही कल्याण चाहती हो। क्योंकि माँ जो है सदा सर्वदा अपने बच्चों का कल्याण ही चाहती है, कौन माँ है जो अपने बच्चों का बुरा चाहती हो। माँ तो सदा सर्वदा अपने बच्चों का कल्याण ही देखना चाहती है। कुपुत्र जात कछु कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी को माता नहीं होती। माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता ही और माँ सदा सर्वदा अपने बच्चों पर दया दृष्टि रखती है। अब उस माँ भगवती जग जन्य के दरबार में विराजमान है, जो माँ समचे जग सारे संसार के चेते है, जग जन्य है, जगत माता है, जगत गुरु है।
क्योंकि पहला ज्ञान जो है बच्चे को मां से प्राप्त होता है, और जिसके चरण बैठे हुए हैं जो जगजननी जगत माता, जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवताओं को भी शरीर धारण करवाने वाली जय भगवती आदि शक्ति है, जगत माता है, जगत गुरु है, और इसके जो शरणगत होकर के जो भक्तजन जो है माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं, बस हम रोगों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। रोगण शेषण अपने तुष्टा रुष्टा त्रामण सकलन विष्टाण तो अमाशाणाम तो अमाशयता पर जानती रोगण शेषण अपने तुष्टा, जे भगवती तुष्ट होने पर प्रसन्न होने पर सब रोगों का विपत्तियों का नाश कर देती है, रोगों से मुक्ति देती है। रुष्टा तो कामण सकलन विष्टाण, और जब जो रुष्ट हो जाती है कुपित हो जाती है तो समस्त मनवांछित कामनों का विनाश कर देती है। जो भी व्यक्ति के जो है जो विचार होते हैं कि हम ये काम करेंगे इसमें सफलता मिलेगी और हम इस प्रकार सुखी हो जाएंगे, परंतु सारा विपरीत होता है। बड़ा परिश्रम करता है साधक जो है, परंतु यह उस कार्य में नहीं सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए जब माँ प्रसन्न होती है, जो जगदे जो माँ जगजननी जगत माता जिन पर प्रसन्न हो जाती है, फिर वे भक्त जो है उनके असंभव कार्य भी संभव होते हैं। जब माँ की कृपा होती है फिर जब जब जहाँ जहाँ विवाह जाते हैं वहाँ वहाँ जो है उनको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है, कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, और वे मिट्टी को हाथ लगाते हैं वह भी सोना हो जाती है, अर्थात सर्वत्र जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। जब देव अनुकूल हो जाता है, उसकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए ही जी जप पाठ स्नान दान जी जो सत्कर्म जो बतलाएगी, जब साधक इस प्रकार शरणगत होकर के अपने इस देव का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसका फल क्या होता है? देव अनुकूल होते हैं, देव देवता जो है जो अनुकूल होते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, और जो है सुख की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्र दूर होते हैं, रोग से मुक्ति मिलती है, और जीवन में जो भी भक्तों की मनोवलक्षित कामना होती है वह सब पूर्ण होती है, और इस लोक में वह स्वसुख का भोग करता हुआ अंत में उसका परलोक भी सुखमय हो जाता, अर्थात वह परमोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जब व्यक्ति बहुत पुण्य करता है, जब व्रत दान करता है तो इससे पुण्य की वृद्धि होती है, और जब पुण्य की वृद्धि होती है तो देव अनुकूल होते हैं, सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है, और मनुष्य का जीवन सुखद होता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है धर्म के मार्ग पर चलते पुण्य कर्म जो है करते रहना चाहिए। आज माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, बड़ा ही उत्तम दिन है, और माघ स्नान भी जो है जी इसका भी समापन है। जो माघ महीने में पूरा महीने जो स्नान करते हैं, तो इस स्नान का माघ महीने में बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रयागराग में कुछ साधक वहां जाकर के कल्पवास करते, पूरा महीना भय रहते, स्नान करते, जप करते, पाठ करते हैं, संतों का संग करते हैं। तो माघ शुक्ल पक्ष की आय पूर्णिमा, जो पूर्णिमा जो है दिन वाली एवं रात्रि वाली दोनों एक ही पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का व्रत जो है विशेष करके पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान की विशेष पूजा आराधना अर्चना की जाती है। तो जो व्रत में आपको जो बतला रहा था, कहते हैं कि नैमिष शरण में सोनकादि ऋषियों ने शास्त्रों का ज्ञाता सूत जी से यह प्रश्न किया, महाराज ऐसा कौन सा ऐसा व्रत है या तप है जिसके करने से जो है मनुष्य के दुखों का नाश होता हो, उसका दारिद्र जो है वह दूर होता हो, वह सुख संपत्ति को प्राप्त हो सके, संतान सुख को प्राप्त कर सके,
उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो वह परम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कोई तप है वह बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब सूजी ने उन ऋषि मुनियों से कहा कि ये जो प्रश्न आपने किए हैं, यही प्रश्न जो है देवसी नार जी ने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से किया था, और उस समय भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया था उस प्रश्न का देवसी नार जी को वही मैं आपको बतलाता हूं। सूजी कहते कि ऋषियों एक बार जो है देवसी नारद जी अन्य लोक का भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में आकर के देखा कि लोग जो है अपने अपने कर्मानुसार है, तो कर्मों का ही फल, अपने अपने कर्मानुसार जो है वह दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। अब उनके पापों का नाश कैसे हो, उनके दुख कैसे नाश हो, जे कैसे सुख प्राप्त कर सके, तो जी जिज्ञासा ऐसा विचार जो है देवसी नारद जी के मन में आया कि लोक कल्याण के लिए, इनके दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए ऐसा कौन सा ऐसा कोई उपाय है जिसके करने से ये सुखी हो सके, ऐसा विचार लेकर के देवसी नारद जी जो है वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। वैकुंठ लोक में जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन की, जो शंख चक्र गदा पद्म धन की हो गई, वैकुंठ लोक में विराजमान जो है भगवान विष्णु के उन्होंने दर्शन किए और फिर वहां जाकर के उनकी स्तुति की। कहा महाराज आप ही वास्तव में कर्णिकार हैं, श्रेष्ठ के रचयिता हैं, सब दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले हैं, अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तब जो है भगवान विष्णु ने नारद से पूछा कि देवसी नारद किस कारण से आपका आगमन हुआ है, आपके मन में जो बात हो वह कहिए, मैं आपकी मनोलक्षित कामना को पूर्ण करूंगा, आपके जो भी मन की कामना होगी मैं पूर्ण करूंगा। तब देवऋषि नारायण ने कहा महाराज मैं विविध लोकों का भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में गया था, और वहां पर देखा लोग जो है अपने कर्म अनुसार जो है दुखों को भोग रहे हैं, क्योंकि पाप कर्म का फल जो दुख होता है। अब जो है मेरे मन में ऐसा विचार आया, ऐसा कोई ऐसा उपाय हो, ऐसा कोई व्रत हो, ऐसा कोई तप हो, ऐसा कोई लघु उपाय जो है जिसके करने से वह सुख को प्राप्त कर सके, उनको पाप उनके पापों का नाश हो सके। ठीक है व्यक्ति से अपराध होता है, परंतु उसका कोई ना कोई प्रायश्चित भी होना चाहिए। रोग लगते हैं, रोग की भी कोई ना कोई औषधि होती है जिससे उपचार करने से उस रोग से मुक्त होता है। ऐसे ही मनुष्य से पाप हो जाते हैं, चाहे जानने से जानने जानने में होते हैं, तो इस प्रकार से उसका कैसे प्रायश्चित हो सके, कोई ऐसा लघु उपाय बतलाइए ताकि जिसके करने से वह लोग जो है कल्याण को देख सके, उन पापों से मुक्त हो सके, दुखों से मुक्त हो सके और सुखों की प्राप्ति कर सके। भगवान विष्णु देवऋषि नारद पर बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि आपकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ कि लोक कल्याण के लिए आपने बात कही है, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए जो सोचता है वास्तव वही संसार में पूजित होता है, वही मान्य होता है, उनकी कीर्ति उनका यश जो है संसार में अटल बना रहता है। तो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के मंगल के लिए सोचते हैं, जब दूसरों का कल्याण होते हैं, दूसरे जब अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, तो उन्हें देख करके जो खुश होता है, ऐसे लोग जो हैं संसार में पूजित होते हैं और उनका यश मान कीर्ति संसार में अटल बनी रहती है। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, भलाई के रास्ते पर चलते हुए भले कर्म ही करने चाहिए। भगवान विष्णु जी देव जी उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक लघु उपाय बतलाता हूं, स्वर्ग एवं मृत्यु लोक के लिए जो दुर्लभ है सत्यनारायण का व्रत जो है,
प्रत्येक महीने में सत्यनारायण का जो व्रत जो है, भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना अर्चना जप पाठ करने से जो है, उस दिन व्रत करने से भाई बंधु के साथ एकत्रित होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये जो व्रत जो है, इस जो व्रत करने से जो है मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। जो प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा होती है, जैसे सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, कुछ लोग रात्रि को जो है जब चंद्रोदय होता है उस समय भगवान चंद्र सत्यनारायण की पूजा की जाती है, उसके उपरांत ही व्रत का पारण किया जाता है। उसके पूर्व सायंकाल को जो है परिवार कुटुंबी जो इकट्ठे होकर के सत्यनारायण भगवान का जो कीर्तन, उनकी पूजा, और जो है स्वाया प्रत्येक वस्तु जो जो सामग्री उन्हें चढ़ाई जाती है, गेहूं के आटे का जो चूरमा जो बना करके उसमें गुड़ शक्कर का मीठा डाल करके फिर केले का प्रसाद उसमें डालें, और इस तरह से उस प्रसाद को बना करके भगवान को भोग लगाएं, भगवान का कीर्तन करें और व्रत करें, भगवान के नाम का जप करें, क्योंकि कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिसमें कोई विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ उसका अनंत गुणा फल होता है। तो सत्यनारायण का व्रत जो है ये करने से, देवसी नारायण जी कह रहे हैं कि ये करने से जो है मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसका दुख दरिद्र दूर होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, इस लोक में वैश्व सुख भोग करता हुआ अंत में वह पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सारी विधि जो उन्होंने बतलाए, तब देवसी नारायण ने पूछा, महाराज इस व्रत को किसने किया? तब वह कहते हैं, काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण था, जो सूर्य सोनका ऋषि को बतला रहे हैं, काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन भिक्षा मांगा करता, भीख मांगता था, परंतु तो कहते जब बुरा समय आता है तो भीख मांगने से भी नहीं मिलती। वह बड़ा दुखी था, कड़ी धूप थी, उस कड़ी धूप में वह घर घर जा भीख मांग रहा था, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, भूख से भूखा प्यासा वह निर्धन ब्राह्मण जो है चल रहा था। इतने में उसके सामने सत्यनारायण भगवान जो है, भगवान विष्णु जो है एक ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने जो है प्रकट हुए और कहा, भाई अब कहां घूम रहे इतनी कड़ी धूप में? उसने कहा, महाराज मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भूखा हूं और भीख मांगने के लिए जा रहा हूं, और भीख भी मांगने से नहीं मिलती, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे अपने उदर पूर्ति करता हूं। महाराज आप यदि कोई उपाय ऐसा जानते हो जिससे मेरी दरिद्रता जो दूर हो सके तो मुझे बतलाइए। तो उसने कहा कि आप जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत कीजिए, जप कीजिए, मंत्र बतलाया, इस मंत्र का जप करो, व्रत करो, अपने परिवार के साथ जो है भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करने से, व्रत करने से, नाम जप करने से जो है दुखों का नाश होता है, आप सुखी हो जाएंगे। सारी विधि बतलाई और बतला करके वह ब्राह्मण के रूप भगवान सत्यनारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वृद्ध ब्राह्मण जो था वह सायंकाल को जब वापस लौटा तो उसके मन में जाया, उसने मुझे जो बतलाया था व्रत करने के लिए, मैं भगवान का सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प होगा मन में कि मैं व्रत करूंगा। रात्रि को यही चिंतन करता रहा, मुझे जो है कल जब पूर्णिमा व्रत करना है। प्रातः काल उठा और यही संकल्प लेकर घर से चला भीख मांगने के लिए। अब पास में तो कुछ था नहीं, भीख मांगने के लिए गया तो उस दिन उसको बहुत सारी भीख मिली, बहुत सारी भिक्षा मिली, क्यों? देव अनुकूल हुआ, उसी भिक्षा से उन्होंने जो है सारी पूजा सामग्री जो खरीदी, अपने परिवार के साथ कुटुंबियों के साथ जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजा की, जप किया, परिवार एकत्रित होकर के जप करते हैं इस प्रकार भगवान के नाम का। तो ये व्रत जो है जब जो है ये पूर्णिमा का दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर, द्वादशाक्षर मंत्र है, विशेष इसका जितना जप कर सके जप करना चाहिए। कहते हैं कि व्रत किया, भगवान का स्मरण किया है, अब उसका दुख दूर होना शुरू हो गया।
वह ब्राह्मण जो था सब सुखों को उसने प्राप्त किया और इस प्रकार से वह ही धनी हो गया। इस लोक सब सुखों का भोग करता हुआ अंत में उसने पर मोक्ष की प्राप्त कर ली। बोलो सच्चे दरबार की जी। सत्यनारायण व्रत का जो फल जो होता है, इसलिए एकादशी का व्रत है, पूर्ण का व्रत है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होते हैं, नवरात्रों में शक्ति पूजन के दिन होते हैं, 9 दिन शक्ति पूजन के दिन जब व्रत होते हैं, शिवरात्रि का व्रत होते हैं, ये मुख्य मुख्य जो व्रत होते हैं जो शास्त्र में जिनका जो वर्णन किया गया है, तो इन विशेष तिथियों में जो व्रत करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, किसी तीर्थ में जाकर के पुण्य कर्म करते हैं, स्नान दान करते हैं, तो उसका जो है अनंत गुणा फल होते हैं, जिसके फल से जो है मनुष्य के सब पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरमाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तजन संकीर्तन में सहयोग देना सब बिल्कुल ताली बजाते हुए, क्योंकि भक्तजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, मंत्रों के द्वारा जप करते हैं, पाठ करते हैं, माँ के दरबार में आकर इस प्रकार से जो भगवती की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, भजनों के द्वारा अपने हृदय के भाव जो है माँ के सामने प्रकट करते हैं, माँ के सामने रखते हैं, किसी तरह से जो माँ जगजननी हम पर प्रसन्न हो जाए, इस माँ का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। अभी आप भजनों में बिल्कुल माँ की भक्ति में तल्लीन होकर के भक्ति भाव से सभी जो है कीर्तन करना है, माँ को रिझाने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए सभी जो है भजन में सहयोग देंगे, सब मिलकर बोलना ताली भी जाती हूँ श्री श्रेय जी। जय करा मेरे शरण वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की। मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे, मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे, मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे, मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे, मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तो माँ क्या करे, सब कुछ पता ही दिया, जो समझ में ना आए तो माँ क्या करे, मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे, मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही ताली सभी हाथ खोल करके ढीले ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजी दीजिए और सभी ऊपर माँ भगवती की हाजी स्वीकार करे, आपके झोलियां भरे, आपके मुरादें पूरे करे, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली सभी अन्न दूध आदि सब खाने को दिया, मेवा मिष्ठान भी मन पैदा किया, अन्न दूध आदि सब खाने को दिया, मेवा मिष्ठान भी मन पैदा किया, फिर भी निर्दय जीव सताने लगा,
दई जीवन सताने लगा। तू अगर मत खाए तो माता करे फिर दीर दई जीवन सताने लगा। अगर तू मत खाए तो माता करे मानुष जन्म तुझको हीरा दिया तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। मानुष जन्म तुझको हीरा दिया तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करूँ। दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा रात दिन पाप में मन लगाने लगा। दिन दुखियों के दिल को दुखाने लगा रात दिन पाप में वो मन लगाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो माँ क्या करे तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो माँ क्या करे। मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। तुझको हीरा दिया तुम्हें काली गवाए तो माँ क्या करे। नाम माँ का तेरा पाप भी काट दे जो तू पाप करन से है मन डांट ले। नाम माँ का तेरा पाप भी काट दे जो तू पाप करन से मन को डांट ले। माँ तो चाहती है आ जा तू उसकी शरण। माँ तो चाहती है आ जा तू उसकी शरण। यदि तू ही ना आए तो माँ क्या करे। माँ तो चाहती आ जा तू उसकी शरण। यदि तू ही ना आए तो माँ क्या करे। मान मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। मान मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। छोड़ कर छल का पट आज माँ की शरण कट जाए सहज तेरा आवागम। कलचन का पट आजा शरण कट जाए सहज तेरा आवागम। फिर भी सतगुर बचन झूठ मानने लगा फिर भी सतगुर बचन झूठ मानने लगा। यूं ही चक्कर लगाए तो माँ क्या करे। फिर भी सतगुर झूठ मानने लगा यूं ही चक्कर लगाए तो माँ क्या करे। मान मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। तुझको हीरा दिया तुम्हें काही गवाए तो माँ क्या करे। मूल वेदों ने सब कुछ बता ही दिया जो समझ में ना आए तो माँ क्या करे। मूल वेदों ने सब कुछ बता ही दिया जो समझ में ना आए तो माँ क्या करे। मान मानुष जन्म तुझको हीरा दिया तू वृथा ही गवाए तो माँ क्या करे। मान मानुष जन्म तुझको हीरा
ही गाए तो ना क्या करे, तू वृथा ही गवाए तो मां 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 क्या करे। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। पूजा करे पूजा कर संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, 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 पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा कर संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, तैनू पूजन गणपति आए, तैनू पूजन गणपति आए, सिद्धि सिद्धि नाल आए, सिद्धि सिद्धि नाल आए, तैनू पूजन गणपति आए, तैनू पूजन गणपति आए, सिद्धि सिद्धि नाल आए, सिद्धि सिद्धि नाल आए, बोलन जय जयकार माँ तेरी पूजा करे, 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 पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, तैनू पूजन ब्रह्मा जी आए, तैनू पूजन ब्रह्मा जी आए, सरस्वती नू नाल आए, सरस्वती नू नाल आए, तैनू पूजन ब्रह्मा जी आए, तैनू पूजन ब्रह्मा जी आए, सरस्वती नू नाल आए, सरस्वती नू नाल आए, होके हंस सवार माँ तेरी पूजा करे, 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 पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा कर संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, तैनू पूजन विष्णु जी आए, तैनू पूजन विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी नू नाल आए, लक्ष्मी जी नू नाल आए, तैनू पूजन विष्णु जी आए, तैनू पूजन विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी नू नाल आए, लक्ष्मी जी नू नाल आए, होके गरुड़ सवार माँ तेरी पूजा करे, 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 पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे, तैनू पूजन
शिव जी आए, तैनु पूजन शिव जी आए, पार्वती नू नाल आए, पार्वती नू नाल आए, तैनु पूजन शिव जी आए, तैनु पूजन शिव जी आए, पार्वती नू नाल आए, पार्वती नू नाल आए, हो के बैल सवार मां तेरी पूजा करे, 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 पूजा करे पूजा करे सनसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे सनसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, तैनु पूजन राम जी आए, तैनु पूजन राम जी आए, सीता जी नू नाल आए, ओ सीता जी नू नाल आए, तैनु पूजन राम जी आए, तैनु पूजन राम जी आए, सीता जी नू नाल आए, महिमा बड़ी अपार मां तेरी पूजा करे, 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 पूजा करे पूजा करे सनसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे सनसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, तैनू पूजन कृष्ण जी आए, तैनू पूजन कृष्ण जी आए, राधा रुक्मण नाल आए, राधा रुक्मण नाल आए, तैनू पूजन कृष्ण जी आए, तैनु पूजन कृष्ण जी आए, राधा रुक्मण नाल आए, राधा रुक्मण नाल आए, अच्छा तेरा दरबार मां तेरी पूजा करे, अच्छा तेरा दरबार मां तेरी पूजा करे, सच्चा तेरा दरबार मां तेरी पूजा करे, सच्चा तेरा दरबार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे सनसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे सनसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, तैनु पूजन ध्यानु जी आए, तैनु पूजन ध्यानु जी आए, सारी संगत नु नाल आए, सारी संगत नु नाल आए, तैनु पूजन ध्यानु जी आए, तैनु पूजन ध्यानु जी आए, सारी संगत नु नाल आए, सारी संगत नु नाल आए, गल फुल्लां दे हार मां तेरी पूजा करे, गल फुल्लां दे हार मां तेरी पूजा करे, गल फुल्लां दे हार मां तेरी पूजा करे, ओ गल फुल्लां दे हार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे सनसार पूजा करे, पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, तैनु पूजन कंजका भी आईया, तैनु पूजन कंजका भी आईया, दुनिया छत्तर भेंट ले आईया, दुनिया छत्तर भेंट ले आईया, तैनु पूजन कंजका भी आईया, तैनु पूजन कंजका भी आईया, दुनिया छत्तर भेंट ले आईया, दे सबनु दीदार मां तेरी पूजा करे, 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 पूजा करे पूजा करे धनदार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, पूजा करे पूजा करे संसार मां तेरी पूजा करे, पूजा
पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे तेनु पूजन भक्त भी आए तेनु पूजन भक्त भी आए भजा नारियल भेंट ले आए भजा नारियल भेंट ले आए तेनु पूजन भक्त भी आए तेनु पूजन भक्त भी आए भजा नारियल भेंट ले आए भजा नारियल भेंट ले आए दुर्गा सिंह बलिहार माँ तेरी पूजा करे 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 पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी 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 पूजा करे करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे पूजा करे पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे है करा शरण वाली दा और सच्चे दरबार की जय तभी एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी जयकारा शेरावाली दा सच्चे दरबार की जय संगते निमैया ना परीता पले गुड़ियां नच नच मैया दीदी बाही चाड़ चूड़ियां संगते निमैया ना परीता पले गुड़ियां नच नच मैया दीदी बाही चाड़ चूड़ियां संगते नी मैया ना परीता पाले गुड़ियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां संगते नी मैया ना परीता पाले गुड़ियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां भगत त्यानु मना सच्ची प्रीत पाई सी सच्ची प्रीत पाई ओ सच्ची प्रीत पाई रुसी होई मैया ने नच के मनाई सी नच के मनाई नच के मनाई भगत त्यानु मना सच्ची प्रीत पाई सी सच्ची प्रीत पाई जी ओ सच्ची प्रीत पाई जी रुसी होई मैया ने नच के मनाई सी नच के मनाई नच के मनाई सी किन जद नेड़े होन मुक जान दूरियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां दिन जद नेड़े होन मुक जान दूरियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां हां संगते नी मैया ना परीता पाले गुड़ियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां संगते नी मैया ना परीता पाले गुड़ियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां संगते नी मैया ना परीता पाले गुड़ियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां संग देन मैया ना परीता पाले गुड़ियां नच नच मैया जी दी बाही चाड़ चूड़ियां तारा रानी रानी मांदा प्यार जित लेता सी प्यार जित लेता जी प्यार जित लेता जी
हर जगराता ने श्रद्धा नाल कीता सी, श्रद्धा नाल कीता सी, श्रद्धा नाल कीता सी। तारा रानी रानी मादा प्यार जित लिता सी, प्यार जित लिता सी, प्यार जित लिता सी। हर जगराता ने श्रद्धा नाल कीता सी, श्रद्धा नाल कीता सी, श्रद्धा नाल कीता सी। रुक मन हाथ जोड़ उल्ला हर मेरिया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। रुक मन हाथ जोड़ उल्ला हर मेरिया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। संगते नी मैया ना भरी ता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। हो संग जैनी मैया न परिता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। हाँ संग तेनी मैया न परिता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। संगतनी मैया ना परिता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी पाही चाड़ तूड़िया। सचिया परिता वाले कदे भी ना डोल दे, कदे भी ना डोल दे, कदे भी ना डोल दे। भगत प्यारे सारे उच्ची उच्ची बोल दे, उच्ची उच्ची बोल दे, उच्ची उच्ची बोल दे। सचिया परिता वाले कदे भी न डोल दे, कदे भी न डोल दे, माँ कदे भी न डोल दे। भगत प्यारे सारे उच्ची उच्ची बोल दे, उच्ची बोल दे, कट के तूफाना बिचू कंडे लाग बेड़िया। नच नच मैया जी दी पाही चाड़ चूड़िया, कट के तूफाना बिचू कंडे लाग बेड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ चूड़िया। संग तेनी मैया ना भरी ता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। ओ संग तेनी मैया ना परिता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। संग तेनी मैया परिता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। संग तेनी मैया न परिता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। भगत प्यारे चल प्यार मन पालिए, प्यार मन पालिए, प्यार ना पालिए। गुलशन वैष्णो मां दिल च बसा लिए, दिल च बसा लिए, दिल च बसा लिए। सुल्तानपुर कुट के खवा ले मानू दूरिया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ चूड़िया। सुल्तानपुर कुट के खवा ले मानू चूड़िया, नच नच मैया जी दी संग तेनी मैया न परी ता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। संग तेनी मैया न परी ता पाले गूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया, नच नच मैया जी दी पाही चाड़ तूड़िया। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।
आरोढ़ भ्रमते गगने दक्षिणे चक्षुत्र वामे हस्ते दिभ्यां भ्रतणकमयं पुस्तकञ्जनगम्य सभिन भदन्त स्वकर्कर्जपे शास्त्रविज्ञान शब्दे श्रीणन्त दिव्यरूप करकमलधर भारती सुप्रसन्न सच्चिय ज्योत वाली माता तेरी सदा आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज सात प्रविष्टि ही माघ शुक्ल पक्ष आज पूर्णिमा तिथि ही पूर्णिमा जो है दिन एवं रात्रि वाली एक ही पूर्णिमा है आज ही मंगलवार तदनुसार 19 फरवरी 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सताम सत्वी संज्ञा कथम पुण्यन भवति सत्संग का प्राप्त होना जो बड़े ही पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होते हैं जिस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होता है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णो हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंगसंग आपकी रक्षा करे, आपकी दीर्घायु करे, आपके कारोबार में वृद्धि करे, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करे। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान जसस्वे भव प्रज्ञा भान भव भूर्भूत करण धान कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य दर्वदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पूजन सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शमानम हियते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर होना चालू जाते ही। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निज दिन भावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव राजे रात
Oh my God.
शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे धार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ विभूत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय जय अम्बे, 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 सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्य, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दशो देहि दशो जहि, दशो देहि दशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, सङ्गच्छद्धं सम्बदद्धं सम्बदद्धं शम्भो मनसि शम्भो मनसि जानता जानता देवाभागं देवाभागं यथा पूर्वे यथा पूर्वे सञ्जानाना सञ्जानाना उपासते उपासते शान्तिः 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 शान्तिः। अब
शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। मेरे कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया जो सतगढ़ी जो चरना दा ध्यान जय। Thank you.
लक्ष्मी सरोजस्तांगंताशूलहरसंगम श्री चक्रम धनुसायकम हस्तादिकरपिंगलांगविलस सीता सुदुल्या प्रमाम गौरी देव समुद्रमांग जगता आलालभूता महापूर्वा शुंभादिनिचारिणी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु तथा तुमेव विद्या दैनम तुमेव तुमेव सर्वं मंदिर देव शांताकारं भुजगजैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानवंगं वंदे विष्णु भवरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामदारयणं वासुदेवं श्रीधरं माधवं भक्तिरावलं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं हरे मुरारे मृगे दुलारे गोविंद गोपालमतं ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंच फूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार शांत देने वाली माता तेरी सदा फुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा रोम करा भी सागर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का दानियों में दानियों में दानियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरवाली दा ओम दुर्गा देवी नमः आदरपादुम हस्तरक्षम मुखे आश्वणियम भवजे श्यामी आत्मसामि ओम नमो देवी महादेव शिवाय वंदनम सत्तम कालाति च महाघोरी चास्मम् नाम विद्धिराति च लोकापदीपकाय दुर्गादेवे नमः सर्वमङ्गलमङ्गले सर्वार्थनाभि शमेदे गौरी महाकाये सर्वज्ञाय सर्वदेवि महाराजे नमस्ते सर्वसर्वे सर्वेषु सर्वशक्ति समये
आधाति सवा सवा नमस्ते देवी आशीर्वाद देना जोर जोर से सबको, ठीक है? आशीर्वाद छोटो ना, अच्छा आशीर्वाद देना जोर जोर से आशीर्वाद दो।